यहाँ पर जो है ना हम शादी के जो है ना फर्स्ट जो है ना शहबाज, बाबर, मैं, सुनहरा हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे एक फूल दरख्त था, अभी तो शायद नहीं है, यहीं कहीं पे था उसके पास ना, अब बहुत दूर ना, सुनहरा की और बाबर की ना पिक्स भी हैं वहाँ पे, उन लोगों ने बनवाई थी। और ये देखिए, ये हेल्प हो रही है फायदा करने का, अगर भाई करवा रहा है तो मोटी नहीं जी, कहाँ आ जाओ, चलो मैं आ गई हूँ, क्या करना है। आपका भी क्वीन है। हाँ ये द्वारा नहीं, क्या हुआ, हैंड गंदे कर दिए। चलो चलो जी, मैं आपको वो वाला जो है ना दिखाती हूँ पेड़, जिस पे आज भी फूल हैं, जिस पे जो है ना इन लोगों ने पिक्स बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खिले खिले से लग रहे हैं दोनों ही साइड से। और ये जो है ना और भी प्यारे लग रहे हैं, वाइट और पर्पल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ मेरी शहजादी, आ जाओ 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 आ जाओ। नो बुरी बात अंकल मारेगा, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे सिर्फ पर्पल है और ये सिर्फ वाइट वाइट है, ये साथ में पर्पल। ये देखिए ये आर्ट कितना प्यारा है, इन्होंने कितने अच्छे अच्छे शेप में दिए होते हैं, बनाई होती है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे अगर इनकी सजावट वगैरह की जाए। और ये रहा वो पेड़ जिसके पास सुमेरा की और बाबर की, मेरे ख्याल में इसकी थी शहबाज भाई की और इनकी भी थी पिक्स, यहाँ पे खड़े होते। अभी तो ये काफ़ी कम फूल हैं, लेकिन रात का टाइम था, काफ़ी फूल थे, तो यहाँ पे ना लोगों ने खड़े होकर ना अपनी वो तस्वीरें बनवाई थी, बहुत प्यारा आई थी तब की पिक्स थी, हालांकि अंधेरा था लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी तस्वीरें आई थी। और ये पेड़ जो है ना हमारी वो क्या कहते हैं शादी की, और उनकी आए थे ऐसे घूमने के लिए, तो ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपनी पिक्स बनवाई थी। और हम सब यहाँ पे बैठे रहे थे, तो फिर रात में ना क्योंकि घर इधर ही था जहाँ पे अभी भी है पिछले गली में, वहाँ पे सारे बैठे थे, तो फिर वहाँ से ऐसे आए थे तो ये पेड़ आया, तो फिर यहाँ पे सुमेरा कहते नहीं मुझे ना पिक्स बनवानी है। आई थिंक उस टाइम सुमेरा के हाथों में गजरे भी पे थे और उसने ना जो था मेहंदी भी लगाई हुई थी, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए अभी भी बहुत प्यारे लग रहे, ऊपर ज़्यादा हैं नीचे बहुत कम फूल हैं। यादें जो होती हैं ना इंसान को कभी तकलीफ़ देती हैं और कभी खुश कर देती हैं, तो अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे आए हैं, हमेशा ही आते हैं, लेकिन आज मुझे ये पेड़ याद आया, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी हिस्ट्री शेयर की जाए। ये भी एक वैसे ही है लेकिन ये छोटा है, वो वाला बड़ा था। और यहाँ पर ये सब जो है ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, पौधा नज़र है। और इस पर देखिए कितने छोटे छोटे से फूल बने हुए, बहुत ही प्यारे बने हुए। अब मैं इनमें से अगर तोड़ के दिलबर को जाके एक गुलदस्ता बना के दूँ तो कितना अच्छा लगेगा ना। चलें करते हैं ऐसा कुछ, यहाँ से तोड़ते हैं फिर दिलबर को देते हैं। ये जो है ना, अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे ये पूछना था, आप वो पड़ोसी बन के हमारे पीछे क्यों क्यों भागती रहती हैं? ये देखें, ये क्या? मैं आपके लिए। ओहो जज़ाकअल्लाह, ठीक है। खुशबू तो सिंगोस्टी कितना मुझे क्या पता कैसी, लेकिन ये बता रहा था कि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो है रील बना रहे हैं कि बनते एक मिनट, ये जगह बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो इधर से आ रहे हैं ये और फादिया इनसे डर गई है कि ड्रॉप्स वाले, और ये यहाँ पर आ गए। अपनी जेब दिखाओ, क्या हुआ, किसने मारा है दुआ को? दुआ रानी घर चले, आ जाओ घर चले, आ जाओ इधर, हम तो इधर आओ। अभी क्यों नहीं, आ जाओ अभी चले। अली कहाँ चला गया? अली वहाँ पे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आ जाओ।
तो यहाँ पर अब जो है ना इनकी बारी है शॉर्ट बनाने की। वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ पे बैठा था कंपनी वाले। तो अब देखें कौन सा इनको सॉन्ग मिलता है जिस पे ये दोनों बाप बेटा शॉर्ट बनाते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे ये देखिए इस चक्कर व्यू में ना ये सब घूम गए और दुआ भी इनके पीछे पीछे के। हमजा दुआ को ढूंढ, फादिया को ढूंढो। बच्चों ने यहाँ पे कुछ और चीज़ ही देख लिया था हम लोग। अच्छा यहाँ पे फाउंटेन का वो है तो वो ही देख रहे हैं। चलो बाहर आ जाओ, अली बाहर आ जाओ इनको लेके। वो अंकल मारेगा, आ जाओ। मैं जो हूँ ना यहाँ पर बिल्कुल थक के आके बैठ गई हूँ और ये लोग अभी भी वहाँ पर रहेंगे। देखें अच्छी जगह है, आना चाहिए कभी कभी इंसान को, यहाँ पे फ्रेश हो जाता है। आज मेरी और दिलबर की लड़ाई सारा दिन मिनते करती रही कि जाने दो मुझे बाहर कुछ दिनों के लिए जाना है। तो बाबा कहता है कि जाओ, तो ये मुझे बाहर ले आए भाई। मैंने कहा कि मुझे बाहर कुछ दिन देर के लिए कुछ दिनों के लिए जाना है तो माइंड फ्रेश होगा या कुछ होगा। तो दिलबर मुझे यहाँ पर लेके आए कि यहाँ पे खुली हवा पे बैठो, यहाँ पे ये देखें खुली हवा पे बैठो, अपना माइंड फ्रेश करो और ये घूम फिरो। भाई ये क्या बात हुई, जाना चाहिए इंसान को कुछ दिन के लिए। तो बस यही है कि मुझे जाना था लेकिन इनकी ज़िद्द है कि नहीं साथ में चलेंगे, तो बस देखें कब साथ में चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग पार्क आए हुए हैं, जमजमा पार्क। तो ये बच्चों को आगे लेकर गए हैं झूले दिलवाने के लिए और फ़िलहाल तो ना मैं नहीं जा रही। तो भाई जो है ना देखें क्या होता है। तो शायद तो अगर बड़े भाई के यहाँ अगर डिलीवरी जल्दी होगी तो शायद चली जाऊँ, अगर जाने दिया तो, वरना तो फिर वही दिसंबर में बोल रहे हैं कि साथ में चलेंगे। तो अभी तो बहुत देर है। तो मेरा आज कल दिल था, मूड था कि मैं कुछ दिन के लिए चली जाऊँ। जब बाबर और सुमेरा जा रहे थे मुझे बोला था लेकिन मैं नहीं गई, तब इनकी तबीयत भी ख़राब थी और जो है ना पेपर भी बच्चों के थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं इनको ऐसे तबीयत ख़राब में छोड़ के चली जाऊँ, तो नहीं गई। तो कहते उस टाइम बोला था ना चली जाओ, नहीं गई। तो अब जो है ना भुगत, तो बस भुगत रही है। अभी मैं भी इनके पीछे पीछे वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर जो है ना आगे जो है ना क्या रूटीन होती है, काम बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों को खिलाएंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे। ये जो दो बैठे हैं ना बंदे बड़ी गौर से मेरी तरफ देखे जा रहे हैं कि अकेली जा रही है, हाथ में मोबाइल है, व्लॉगिंग कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। तो बस देख रहे हैं, वो तो कभी तक भी देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मर्दों का कोई भी इलाज नहीं है। जहाँ भी जाओ ना इनको अकेली औरत नज़र आए, अकेली क्या भीड़ भी नज़र आ जाए ना, तो इन्होंने जो है ना करना ही अपना काम होता है, देखना ज़रूर होता है। इतनी प्यारा लग रहा है, हरा भरा सा, हरा भरा सा। यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये हरे से। और ये लोग यहाँ पर है और इतना चलाए ना कि जान आधी निकाल ही ली है इन लोगों ने। वो देखें दोबारा इनके काम देखे, आज इसको ज़्यादा खुशी हुई हुई है, अपना ही अलग से भागी दौड़ी जा रही है। ये भी था मेरा बाहर आना, मेरा मूड चेंज करना और जो है ना मुझे बाहर की हवा खिलाना। और मेरे हस्बैंड जी ने ना मेरे लिए क्या सजेशन निकाला, वाह 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 वाह, ऐसा हस्बैंड ना, बस क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलते, जो भी है अच्छा है। दोबारा नहीं क्या कर रही हो, क्या क्या हुआ भाई ने क्या बोला, भाई उधर गया है, आपको नहीं लेकर गया, अच्छा आ जाओ आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर जाना है। पर फादिया बैठ गई है मोटू अंकल के साथ और हाँ मोटू और पतलू अंकल के साथ। इसके
नहीं ऊपर बैठाओ, यहाँ पे कैसे बैठे? क्या हुआ? चलो आ जाओ, पापा वहाँ गए, वहाँ गए पापा, आ जाओ। नहीं इधर नहीं, उधर उधर दुआ। वो देखो पापा वो खड़ा हुआ है, आ जाओ इधर आओ। वो अंकल नहीं चला रहा ना अभी, कोई बच्चा नहीं है, आ जाओ। इसकी मेहनत देखे, ये चढ़ गई है। आ जाओ अच्छा, अब आ जाओ, आ जाओ, चला लिए ना, आ जाओ अब। ऐसे है ना, उठा के लेके जा रही है, गंदी बच्ची जाने का नाम ही नहीं ले रही। चलो चलो चलो, वो है पापा उधर है, पापा उधर है, चलो भागो 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 भागो। ये देखिए उसको मैंने, ठीक है जबरदस्ती उसको लेके आ गई। यहाँ देखिए, यहाँ पे फादिया है, यहाँ पे बाकी के बच्चे हैं अली, और यहाँ पे ये झूला झूल रहे हैं। झूला अच्छा है आपका, मजे का है ना? और यहाँ पे ये आराम से जो है ना अभी तक भी बैठे झूले गए। दिया जो है ना अपने बाप को झूला दे रही है। देखिए सारे बच्चों के साथ बच्चा बैठ, ये नीचे गिरी है क्या? पापा को भी झूला झूला आ रही हो पापा के पास? दुआ आ गई, दुआ दुआ। यहाँ पर भी बच्चे उल्टा ही जा रहे हैं सारे के सारे। अली सीधी साइड से जाओ, बुरी बात होती है। अली भाई बड़ा है, ये तीन छोटे और एक अली इसमें। वो देखो तुम्हारे पापा कैसे खेल रहे हैं, अली पापा को देखे। सीखना मत, कोई तो एक आए नीचे, कोई भी एक आए नीचे। पार्क से निकालना ना बहुत ही मुश्किल है, सब चले गए और ये मैडम निकलने का नाम नहीं ले रही थी, और इतनी मुश्किल से इधर से इधर से इधर से इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से ही जाना। चलो फिर आप, हाँ आ जाओ, आ गई हूँ। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, फिर चलो अब।
वो देखो पापा गया उनको लेके, वो देखो पापा गया उनको लेके। वहाँ से पंजाब से सुनहरा लेके आई थी ये फलियाँ, तो इनको सौ निकाल तो लिया, लेकिन इसमें भी काफ़ी जो है ना बीज ऐसे हैं जो कि ख़राब है। इनको वॉश करती हूँ, पहले वो बीज निकाल लेते हैं, वॉश करते हैं। इतनी सारी थी और सिर्फ यही निकली है। फिर इसमें मैं आलू और थोड़ी सी चिकन जो कर ली थी ना, उसमें से जो थी वो क्या बोनलेस वो तो निकाल ली थी, लेकिन जो दूसरी पड़ी थी वो भी डाल लेती हूँ ताकि एक टाइम का आराम से हो जाए। तभी मैंने ऊपर प्याज चढ़ाए हुए हैं, चॉपर करके प्याज को हो जाएंगे, फिर डालूंगी टमाटर वगैरह जैसे मसाला डालते वैसे डाल के फिर इनको भी डालने, क्योंकि ये जो ग्रीन वाले हैं ये जल्दी हो जाएंगे और ये जो सूखे हैं ना इनको काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे मैंने एक तरह से टमाटर वगैरह उतार लिए और जो है ना अब जो है ना मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें वो जो दाने थे वो और चिकन एक साथ डाल दूँगी और आलू को जो है ना पूरी सी देर के बाद डालूँगी। सालन का जो है ना आज मैं नहीं दिखा पाई, द्वार होने लगी थी, बस जैसे मसाला हुआ साथ में मैंने चिकन और फलियां डाल दी थी, ये अच्छी खासी हो गई थी, तो फिर ही मैंने आलू डाले और है ना एक गिलास पानी का डाला था, उससे ज़्यादा नहीं, तो सब ने खा भी लिए, इतना सा बचा था। तो मुझे अब याद है कि मैंने इसका जो है ना लास्ट सीन दिखाया भी नहीं था। और अब देखिए ऊपर से ऐसे फिर मैं जो है ना घी निकाल लेती हूँ, निकाल के ना मैं घी निकाल लेती हूँ, फिर जब दूसरा सालन होता है उसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस यही था, मैंने मसाला अच्छे से भूना, उसके बाद फली और ये डाल दी थी, चिकन डाल दी थी, उनको अच्छे से भून के फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए थे, क्योंकि आलू जल्दी गल जाने थे और ये जो दाने हैं ना ये फलियों वाले ये थोड़े मुश्किल से गलते हैं, तो बस इसीलिए। तो ये था हमारा सालन का फाइनल लुक, आज भी नहीं दिखा पाई तबीयत की वजह से। और अभी जो है ना मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद टैबलेट खाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। सुबह बच्चों का स्कूल भी है, आप तो छुट्टी थी, सुबह स्कूल है तो फिर सुबह की सुबह देखते हैं। मैंने ना यहाँ से एक एस कॉर्नर वालों का ना सूट पसंद आया था, तो मैंने वो मंगवाया था जो कि मुझे आज जाके मिला है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। जी ओए आराम से आराम से आराम से, मुझे ना ये ब्लैक कलर था ना तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये देखिए इसका ट्राउज़र है जी, हाँ भाई देख लिया, अभी देख लिया, ये इसका ट्राउज़र है। मुझे ना इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी शिफॉन का है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। और ये जो है ना इसकी कमीज है, ये देखिए ये जो है ना ये देखिए, ये इस तरह से इसके ऊपर ये वाला इसका गला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने मंगवाया था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आज उनकी कॉल आई है कि आपका जो पार्सल है ना आया हुआ, तो ले ले। और मुझे सबसे ज़्यादा ना ये जो बाजू का ना ये देखिए, जी 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 ये बाजू की ये चीज़ मुझे ये बहुत बड़ी पसंद है, तो बस ये अच्छा लगा है जी। ओके भाई हमारा बेटा पढ़ रहा है, इतनी शोर। तो ये जो है ना मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा सूट और मेरी पसंद। ओए नहीं बुरी बात है, तो बिस्मेरा को भी दिखाते हैं तो फिर देखते हैं क्या है। दो थे, एक पे बटरफ्लाई बनी हुई थी, उन्होंने उस दिन दिखाए थे, काफ़ी हो गया एक हफ्ते वीक हो गया, उन्होंने दिखाया था कि एक पे बटरफ्लाई और एक ऐसे है, तो मुझे ये पसंद आया था। ये देखिए हमारी भाप उड़ाती हुई चाय, तो आज चीनी हुआ कि चाय बनाने के लिए जैसे मैं आई तो चीनी ख़त्म थी, मैंने कहा बड़े डब्बे में होगी तो बड़े डब्बे में भी ख़त्म थी, तो मैंने जो है ना वो डब्बे को बस क्या करें ऐसे निकाली ऐसे निकाली, मैंने कहा पूरी हो जाए, गुड़ भी पड़ा था लेकिन मैंने कहा नहीं चाय जो पीनी है ना आज चीनी वाली पीनी है, गुड़ वाली चाय को भी कुछ टाइम देर है, अभी इतनी भी ठंड नहीं पड़ी कि गुड़ वाली पी, और हल्का सा मीठा कम है, मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगी। जी सुमेरा के हाथ की चाय मिल चुकी है, मेरा आधा पराठा भी वैसे पड़ा था, तो अब जो है ना इसको इसके साथ खाते, मुझे बिना पराठे के मज़ा नहीं आता, क्या करूं। हालांकि रात मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा था, नींद भी सही से नहीं, अभी भी हल्की हल्की शिकायत है, लेकिन मैं नहीं रह सकती भाई, नहीं रह सकती।